वहीं इसराइल में कायम राजनीतिक गतिरोध के खत्म करने के लिए देश में मंगलवार को आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ है और यह 4 साल से भी कम समय में 5वां चुनाव है। मतदान रात 10 बजे तक चलेगा और आधिकारिक परिणाम बुधवार तक आने की उम्मीद है। सरकार गठन में कुछ सप्ताह का समय भी लग सकता है। इसराइल की पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस चुनाव के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अगली सरकार की संभावना 2 कारकों पर टिकी हुई है। पहला दक्षिणपंथी ध्रुवीकरण, जिसके अनुभवी नेता नेतन्याहू के पक्ष में होने की पूर्ण संभावना नहीं है। दूसरा मतदाताओं की उदासीनता, खासकर अरब क्षेत्र में। इसराइल में आमतौर पर किसी भी दल को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि दलों को सरकार गठन के लिए आवश्यक 61 सीट के लिए गठबंधन करना होगा। इसराइल में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। वहीं रक्षा मंत्री बेनी गेट्स बनी नवगठित नेशनल यूनिटी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।